हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इसमें आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज ई सेफ्टी। व्हाट विल बी द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स का मतलब कि रिस्क कौन कौन से उसमें आते हैं एंड व्हाट विल बी द सॉल्यूशंस फॉर दोस रिस्क। तो इसमें हमारे तीन तरह के रिस्क आते हैं। द थ्री टाइप्स ऑफ रिस्क आर देयर। वन इज द ट्रांजेक्शनल रिस्क, सेकेंड इज डेटा स्टोरेज रिस्क एंड दिस इज द डेटा स्टोरेज रिस्क एंड द थर्ड वन इज इंटेलेक्चुअल रिस्क, दैट इज इंटेलेक्चुअल रिस्क, राइट। सो नाउ कम टू द पॉइंट अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रिस्क इज ट्रांजेक्शनल रिस्क। ट्रांजेक्शन एज द नेम इज टेलिंग अस कि ट्रांजेक्शन में जो जो प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकती है और प्लेस से रिलेटेड भी हो सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, डिफॉल्ट इन ऑर्डर गिविंग और टेकिंग। हम जो चीज ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, किसी और चीज का हो रहा है, ठीक है। और जो कंपनी है उसको भी ऑर्डर लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इसमें आता है ट्रांजेक्शनल रिस्क में। ऑर्डर गिविंग और टेकिंग में जो प्रॉब्लम आ जाए, हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा, कंपनी की तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सेकेंड आती है प्रॉब्लम डिलीवरी में, जैसे कि अभी बताया कि प्लेस से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है हमारी प्रॉब्लम्स, कि हमें या तो रॉन्ग प्रोडक्ट दे दिया जाए डिलीवरी में, जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था वो नहीं मिला, कोई और प्रोडक्ट मिल गया, या गलत जगह पे गलत डेस्टिनेशन पे वो प्रोडक्ट पहुंच गया, ठीक है। तो वो भी प्रॉब्लम हमारी ट्रांजेक्शनल होती है। नेक्स्ट इज पेमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए। हमने पेमेंट कर दी है लेकिन हमारे जो सेलर हैं उनको वो पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे तीन तरह से हैं। एक ऑर्डर लेने देने में कोई प्रॉब्लम आ गई, डिलीवरी से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रोडक्ट की भी हो सकती है और वो प्लेस की भी हो सकती है। और जब ये डिलीवरी भी हो गई उसके बाद पेमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ जाए, मीन्स वी मेड द पेमेंट बट सेलर हैज नॉट रिसीव्ड इट, तो ये तीनों चीजें हमारी आती हैं ट्रांजेक्शनल रिस्क में। अब इसके बाद इनके सॉल्यूशंस क्या हैं जो हमारी ये प्रॉब्लम्स है। इनका सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन है कि जो एक सेलर है और एक कस्टमर है, दे शुड नो अबाउट ईच अदर। अब बिना एक दूसरे को जाने, एक दूसरे की रेपुटेशन को जाने, आपस में ट्रांजेक्शन की कोई जरूरत नहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक सेलर है, सेलर को सबसे पहले एक कुकीज, जैसे आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, विच आर द कुकीज, जैसे हमारे फोन में एक फोन आईडी होती है, फोन आईडी से हमें साफ पता चल जाता है किसका फोन आया, किसका गया, कितनी बार किया, कितने ड्यूरेशन के लिए किया। सो इन द सेम मैनर कुकीज होते हैं यहाँ पर। कुकीज मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर ईच एंड एवरी कस्टमर, दे नो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आर पिक्ड अप बाय वन परचेजर, कौन कौन से उन्होंने प्रोडक्ट्स को ड्रॉप किए, वो किस किस में इंटरेस्टेड है, उनका पूरा उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है कुकीज के पास, कि उनका नेम, एड्रेस, उनके जो पास्ट रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने कौन कौन से ऑर्डर प्लेस किए और कितने को बाद में रिजेक्ट कर दिया जब घर में पहुंचे हैं वो, ठीक। तो ये सारे कस्टमर के डिटेल्स कुकीज के पास होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलर शुड कंफर्म दैट व्हाट इज द रिकॉर्ड ऑफ द परचेजर, उसकी सारी हिस्ट्री को वो जान ले तभी उसके साथ ट्रांजेक्शन करे। इन द सेम मैनर कस्टमर शुड नो अबाउट द सेलर, कि वो जो पर्टिकुलर सेलर है जिससे हम ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं वो उसकी रेपुटेशन क्या है, ठीक है। आपको मालूम होगा जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो ना तो वहां पे डिफरेंट स्टार्स बने हुए होते हैं कि 5 स्टार्स है, उसकी रेटिंग दी हुई होती है प्रोडक्ट की। इसी तरह से बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो हमारे सेलर्स की भी रेटिंग करती है, ठीक है। उनकी रेट के हिसाब से हमें अपनी वेबसाइट को चुनना है जहां से हमें परचेज करनी है, राइट। तो सेलर को भी कस्टमर के बारे में जान लेना चाहिए, कस्टमर को सेलर के बारे में जान लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि पेमेंट्स को हम सिक्योर कैसे करें। उसके तीन वेज हैं। फर्स्ट इज क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन। यहाँ भी मतलब जिससे अगर हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, हम अपनी कार्ड्स की हेल्प से अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये एक सेलर को देखना होगा, आइदर द क्रेडिट कार्ड नंबर इज वैलिड और नॉट। क्रेडिट कार्ड नंबर एक होता है, उसके ऊपर एक कार्ड के ऊपर लिखा होता है, हमें ये देखना है कि आइदर दैट नंबर इज वैलिड और नॉट। उसके बाद क्रेडिट कार्ड ऑथोराइजेशन, इसमें ये चेक किया जाता है आइदर इन दैट पर्टिकुलर कार्ड द फंड्स आर अवेलेबल और नॉट। थर्ड इज सेटलमेंट। अब हमने ये दोनों चीजों को चेक कर लिया कि नंबर भी वैलिड है,
पैसा भी उसमें मौजूद है, तो अब हमें सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट तभी करो, फंड्स ट्रांसफर तभी करो जब डिलीवरी हो जाए, ठीक है, गुड्स डिस्पैच हो जाए या डिलीवरी हो जाए। अगर आप इस हिसाब से काम करेंगे तो कोई भी पेमेंट नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पेमेंट्स में, ठीक है। पहले आपने उसके नंबर को भी चेक कर लिया, उसमें फंड्स को भी देख लिया, और उसके बाद सेटलमेंट पेमेंट तभी की हमने जब आइदर द गुड्स आर डिस्पैच और दे आर डिलीवर्ड, ओनली देन द फंड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द परचेजर अकाउंट टू द सेलर अकाउंट। तो हमने इसमें दो चीजें ये देख ली, पहले तो दोनों ने एक दूसरे के बारे में जान लिया, और उसके बाद पेमेंट से रिलेटेड हमने ये तीनों चीजें कवर कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड रिस्क की, दैट इज द डेटा स्टोरेज रिस्क। जिसने भी वेबसाइट बनाई फॉर द परचेज फॉर द सेल, जो भी हमारा ये ट्रांजेक्शन चल रहा है, उसमें उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है, उसके बहुत सारे बिजनेस सीक्रेट उसके सेव होते हैं। तो इस डेटा से रिलेटेड, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी रिस्क होता है। कौन कौन सा रिस्क होता है? फर्स्ट इज वायरस। वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। जब हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टैंड स्टिल हो जाए, सीज हो जाए, दैट इज नोन एज द वायरस। और ये वायरस हमारे कंप्यूटर्स में आ कहां से जाता है? इट कैन एंटर इन आवर कंप्यूटर बाय द हेल्प ऑफ एनी डिस्क, बाय एनी ईमेल, बाय एनी फ्लॉपी जो हमने अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर दी, जो बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन आई, हो सकता है वो वायरस को कैरी कर रही थी। और उस वायरस से जैसे ही वो इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर्स में इंसर्ट की गई, उससे रिजल्ट ये हुआ कि वायरस भी हमारे हमारे कंप्यूटर्स में आ गया, और उसका रिजल्ट ये है कि जो इंफॉर्मेशन है वो स्टैंड स्टिल हो जाती है, एंड सम टाइम द पर्सन लॉस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स। तो ये वायरस का एक नुकसान होता है। दूसरा होता है हैकिंग। हैकिंग का मतलब क्या है? अनऑथोराइज्ड एंट्री इनटू द वेबसाइट। ये इसकी जो ये जो हैकिंग है, इसमें शुरू से ही जो किसी पर्सन का एक मोटिव होता है वो अनएथिकल है। उसका मोटिव ही यही है दैट ही हैज टू स्टील द इंफॉर्मेशन, राइट। वो किसी भी तरह से किसी वेबसाइट में एंटर करेगा, सारी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेगा, राइट। तो दैट इज नोन एज द हैकिंग। Now, अब इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं, डेटा स्टोरेज रिस्क को हम कैसे रोक सकते हैं? फर्स्ट इज गवर्नमेंट हैज मेड सम स्पेशल क्राइम सेल्स। अगर ऐसा कुछ भी हो जाए, अनऑथोराइज एंट्री हो गई हमारे बैंक अकाउंट्स में, हो गई हमारी इंफॉर्मेशन में, हो गई, ठीक है, कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है इन वेबसाइट्स, ठीक है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, कोई भी रिलेटेड है उससे रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल अगला हम अपना पॉइंट करेंगे हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, अगर कोई ऐसी ही हैकिंग हो जाए, कोई कुछ हैकिंग से मतलब किसी ने हमारी इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमारी रिसर्च वगैरह आएगी, आप ये देखोगे, तो किसी भी तरह से किसी बैंक अकाउंट में, हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अगर हैकिंग की कोशिश है, राइट, कोई मैन्यूपुलेट हो जाए हमारी चीजें, तो गवर्नमेंट ने एक सेल बनाया, स्पेशल क्राइम सेल, विच इज गोइंग टू डील इन सच टाइप ऑफ क्राइम्स। सेकेंड, हम क्या उसमें प्रिकॉशन ले सकते हैं, दैट इज द इंक्रिप्शन। जो भी हम उसमें अपनी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हमारी इंपॉर्टेंट रिसर्च है, हमारी इंपॉर्टेंट बिजनेस सीक्रेट्स हैं, उसको आप कोडेड लैंग्वेज में रखो, ताकि अगर कोई हैक कर भी ले तो भी वो उसको समझ ना पाए, राइट। नेक्स्ट इज द डिजिटल सिग्नेचर। दिस इज द सर्टिफिकेट दैट इज इश्यूड बाय द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। इससे पता चल जाता है कि जो कोई भी हमारी वेबसाइट में एंटर कर रहा है उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो जेन्युइन है या नहीं है। सो दिस डिजिटल सिग्नेचर्स हैज टू बी एनकरेज, ताकि हमें हर एंट्री का पता चल सके, हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके कि वो कौन कौन है और उसकी वो कितना जेन्युइन है जो जो हमारी वेबसाइट में एंटर कर रहा है, राइट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप ऑफ रिस्क, दैट इज रिस्क ऑफ थ्रेट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। हम अपनी बहुत सी प्राइवेट चीजें भी अपने फोन्स में, हम अपने लैपटॉप्स में करते हैं, ठीक है, बहुत सी हमारी वो प्राइवेसी किसी भी रिलेटेड चीज से हो सकती है, हमारी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है, राइट। तो वो कुछ भी है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स जो किसी ने, फॉर एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ लिखा है रिसर्च इन्वेंशन, जो राइटिंग होती है अपनी, उनकी अपनी ओरिजिनल राइटिंग्स है, उसने कुछ भी अपना लिखा, ठीक है, तो ये सब हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उसने अपने इंटेलेक्चुअल के बेस पे रिसर्च की, इन्वेंशन की, कुछ नई चीजें हैं
जो उसकी है, अगर कोई भी हमारे अनऑथोराइज एंट्री कर लेगा और इन सब चीजों को चुरा ले, देन डेफिनेटली द पर्सन विल सफर विद द लॉस। तो ये हमारा होता है थ्रेट, क्योंकि जो हमारा इंटरनेट है दैट इज अ ओपन स्पेस, एनीवन कैन एंटर, एनीवन कैन सी व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज पुट इन द इंटरनेट। तो इसको भी हमें सेव करने के लिए ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसको हमें अगर सेव करना हो तो वो क्या है, क्योंकि देखो अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या जो हमारी प्राइवेसी है, ये सब हमारी एक तरह से डेटा स्टोरेज ही है। ठीक, ये हमने डेटा ही स्टोर किया हुआ है, चाहे वो हमने अपना रिसर्च रखा, इन्वेंशन रखा, हमने अपनी ओरिजिनल राइटिंग रखी। तो इनको जो प्रॉब्लम आएगी वो भी कैसे ही आएगी, वो वायरस से भी आ सकती है, वो हैकिंग से भी आ सकती है। ठीक है, तो इस वजह से इसके जो हमें सॉल्यूशंस हैं वो बिल्कुल सेम होंगे जो हमारे डेटा स्टोरेज के सॉल्यूशंस थे, बिल्कुल सेम। वन क्राइम सेल इज देयर, एनक्रिप्शन, जो भी हम चीजें रख रहे हैं उसमें वो कोडेड लैंग्वेज में रखें, डिजिटल सिग्नेचर्स को एनकरेज करें ताकि द पर्सन हु आर एंटरिंग दे कैन बी कंफर्म्ड कि वो जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, तो ये अब तक हमने जो कर लिया, तीन टाइप के रिस्क किए। फर्स्ट हमने कर लिया ट्रांजैक्शनल रिस्क, उसके बाद हमने किया डेटा स्टोरेज रिस्क, और थर्ड हमने कर लिया रिस्क ऑफ थ्रेट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बुक में इसका सोल्यूशन नहीं दिया, इसका सोल्यूशन वही है जो डेटा स्टोरेज का है, राइट। तो इस वीडियो में हमारा बस इतना ही, हमने रिस्क को की इसमें कवर किया है और उसके सॉल्यूशंस को कवर किया, राइट। तो अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।